यूपी के मुरादाबाद के सभी ब्लॉक मुख्यालयों पर प्रेरणा कैंटीन खोली जा रही है। इसमें शहर के रेस्टोरेंट जैसे नाश्ते और भोजन की सुविधा उपलब्ध रहेगी, वह भी काफ़ी कम रेट पर। इतना ही नहीं, इस कैंटीन पर टिफ़िन की सुविधा भी मुहैया कराई जाएगी। बता दें कि उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ज़िले में 7,000 स्वयं सहायता समूह हैं। इनमें करीब 70,000 महिलाएँ स्वरोजगार से जुड़ी हैं। विकास विभाग की ओर से इन स्वयं सहायता समूहों को स्वरोजगार के विभिन्न कार्यक्रमों से जोड़कर लाभान्वित कराया जा रहा है। इसी को लेकर जिले के सभी विकासखंड मुख्यालयों पर प्रेरणा कैंटीन खोले जाने का कार्य शुरू किया गया है। इसके तहत सभी ब्लॉक मुख्यालयों पर अब घर जैसा खाना मिल सकेगा। शासन के निर्देश प्राप्त होते रहे समय समय पर महिला सशक्तिकरण के लिए जिले में जिला मुख्यालय पे विकास भवन में और सभी ब्लॉक के अंदर प्रेरणा कैंटीन बनाई जा रही है, जिसका संचालन जो है स्वयं सहायता समूह की महिला के द्वारा किया जाएगा। इसके क्रम में विकास भवन की कैंटीन जो है तैयार हो रही है, वो इस हफ्ते के अंदर तैयार हो जाएगी। बिलारी में कैंटीन बन गई है जो कि फंक्शनल होने वाली है, कुंदरकी में फंक्शनल हो गई है, मुरादाबाद सदर में कैंटीन चल रही है और मूडा बांडे में भी कैंटीन चल रही है। साथ ही साथ शेष ब्लॉक के अंदर भी एक हफ्ते के अंदर सारी कैंटीन जो है चालू हो जाएगी। सर कितना रेट इसका रखा गया खान पीन का? ये ऐसा कोई रेट यहाँ से हमने डिसाइड नहीं किया है। ये कैंटीन जैसे जनरली चलता है, जो भी मार्केट में वहाँ पे रेट होगा, जो महिला को अपने कॉस्ट आ रही होगी उसी के हिसाब से 1-2 रुपये बढ़ा के महिला वहाँ पे चाय समोसा नाश्ता और हमने प्रयास किया है कि भोजन की व्यवस्था भी वहाँ कराई जाए, कि छोले चावल या राजमा चावल टाइप भोजन भी वहाँ पे लोगों को करा दिया जाए। टोटल 10 का भी टारगेट है।